हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल राजस्थानी व्लॉगर नरेंद्र राउत में। कैसे हैं आप सभी लोग, प्लीज कमेंट करके बताएं। और ये देखिए हमारा काउ शेड है, ये मम्मी के घर पे। और ये हमारी गाय, एक बकरी भी है यहाँ पर, हमारी रानी है पाडी। और ये हमारा जो घास स्टोर करने का है वो है, इसमें कुट्टी पड़ी है। और ये देखिए, और अभी मुझे करनी है काउ मिल्किंग, क्योंकि समय हो रहा 6:15 काउ मिल्किंग करते हैं, बट आज थोड़ा सा मैं लेट हो चुका हूँ वहां से घर से आने में इस कारण। और अभी मुझे काउ मिल्किंग करनी है। और ये देखिए, ये हमारी बछड़ी है छोटी सी, और ये रानी बैठी है, और एक शैतान केड़ी ये बैठी है, बहुत ही शैतान है ये बछड़ी, पिछले साल हुई थी, 2 साल की हो गई है। तो चलते अब हम आपको काउ मिल्किंग दिखाते हैं, और नितिन बनाएगा वीडियो। तो नितिन आजा बेटा, जल्दी से वीडियो बनाने के लिए आजा। और नितिन देखिए उधर बनाने की तैयारी कर रहा है वापस, क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा है अभी इस कारण। तो चलिए मैं आपको काउ मिल्किंग दिखाता हूँ। आज बहुत दिन हो गए काउ मिल्किंग दिखाए हुए, बहुत सारे जो फ्रेंड्स थे मेरे, सब्सक्राइबर्स है, उनकी डिमांड है कि सर आप काउ मिल्किंग दिखाइए, बहुत दिन हो गए। तो चलिए आज काउ मिल्किंग ले आया हूँ। यार कोई बात नहीं है, प्लीज वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। तो चलते हैं सीधे वीडियो की तरफ। वो देखिए पीछे देखिए हरियाली कितनी अच्छी लग रही है, थोड़ी सी हरियाली है। और ये हमारी बाल्टी काउ मिल्किंग करने के लिए। तो अभी नितिन आएगा, नितिन आ जल्दी आजा, हाय कर दे बेटा। हाय दोस्तों। तो हाय कर रहा नितिन आपको। और अब मेरा कैमरामैन बनेगा मेरा बेटा नितिन, नितिन कैमरामैन बनेगा ना बेटा। हाँ। तो अभी नितिन का मोबाइल लेगा वीडियो बनाने के लिए, और मुझे करनी है काउ मिल्किंग। पता नहीं कैसा बनाएगा नितिन, वैसे तो परफेक्ट वीडियो बनाने वाले बच्चे हो गए मेरे, तो बना लेंगे वीडियो, क्योंकि इनको ट्रेनिंग है पूरे 1 साल की, क्योंकि मैंने उनको 1 साल से ट्रेन कर दिया बिल्कुल वीडियो बनाने के लिए। ठीक है, तो अब चलते सीधे। मेरी केड़ी, उसको छोड़ूंगा मैं गाय के पास। नूजना कहाँ गया यार, नूजनो कटे बेटा, तो नूजनो ढूंढ लो यार थोड़ी देर। हमारा गांव वाला भी देखे बहुत सारा, तो भाई प्लीज चैनल को शेयर जरूर करना यार। देखो नितिन ढूंढ लिया, जल्दी आजा बेटा, नूजनो लिया यार, क्योंकि फिर लेट होंगे भाई, बहुत सारे काम करने हैं अभी हमको। इसको नूजना बोलते हैं, आपके क्या बोलते हैं प्लीज मुझे कमेंट करके बताना, पता है इसको, इस रस्सी को नूजना बोलते हैं। और हमारा एक और कैमरा मैन आ चुका है नवीन, नवीन आजा बेटा जल्दी से, हाय कर दे यार तू भी। हाय। दो दो कैमरा मैन है मेरे पास, देखो मेरे दोनों कैमरा मैन यही है। ठीक है, तो आज नवीन तू बनाइए वीडियो ना। तो चलते हैं, मैं अब केड़ी के पास ले चलता हूँ आपको। तो चलिए तो दोस्तों ये नूजना है, और अब मैं बांधूंगा इसके पैरों को, ये अपने सेफ्टी के लिए है। तो चलिए मैं दिखाता हूँ आपको। वैसे ये गाय हमारी मारती है, मैं तो बिल्कुल भी लात नहीं फेंकती है, फिर भी अपनी सेफ्टी के लिए जरूरी है ये नूजना बांधना, इसलिए मैं बांध के ही जो है दूध निकालता हूँ। चूकी नहीं तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो काऊ है उनके जो थन है इनको अच्छी तरह से साफ कर लेंगे, क्योंकि बछड़ी चूकती तो थोड़ा दूध के दाग वगैरह हो जाते हैं, तो वो ठीक रहता है थोड़ा सा। बेटा थंबनेल के लिए भी फोटो खींच लेना है, क्योंकि थंबनेल की जरूरी है यार, क्योंकि थंबनेल की फोटो अच्छी होगी तो वीडियो अच्छा बनेगा। और पता है
हमारे यहाँ पर धोने का तरीका ये है, देखिए आप कन्ना जनवीन, हमारे यहाँ पर इस प्रकार से मतलब दूध निकाला जाता है। ये गलत तरीका है, बट हमें भी नहीं पता कि किस प्रकार से मतलब किया जाता, क्योंकि हमें शुरू से ये सिखाया गया है। और अगर मतलब हम यूं हमें धोना ही नहीं आता है, क्योंकि अधिकतर मैंने देखा वीडियोस में यूं धोते हैं, तो मेरे से तो देखिए दूध भी नहीं निकल रहा है इसका गाय का, क्योंकि शुरू से हमने मतलब ये जो तरीका है इसी तरीके से दूध निकाला है, तो इसी तरीके से हम निकालते हैं और इसी से आसानी से निकलता है। गलत तरीका है, बट क्या करें। वो बार बार ये बीच में उछलती है, पता नहीं इसके क्या प्रॉब्लम है। आए के इसको भी ना दूध खाने के समय चारा याद आता है, दूध धोने के समय नीचे रख के नहीं धो सकते, क्योंकि ये पता नहीं पैर कब हिला के ऊपर नीचे कर सकते इस कारण। तो अभी मैंने निकाल, इसको मैं हटा दूंगा, ये देखिए इस जगह, और यहाँ पर दोस्तों देखिए शाम के बज चुके हैं 7:30 और अभी हम खा रहे हैं खाना, नवीन और हम दोनों खा रहे हैं। नितिन घर जा चुका है वहाँ पर हमारे वाले घर पे, और मैं अभी हूँ मम्मी के यहाँ पर। शाम को यहीं खाना खा के जाते हैं हम लोग, इसलिए दाल और अचार और रोटी है, तो उनसे खा रहे हैं रोटी, और उसके बाद हम जाएंगे घर पर, क्योंकि फिर मुझे लाइव भी जाना होता है इस कारण। और खाना हम लोग क्या जल्दी खा लेते हैं दोस्तों। तो मैं पापा मुझे ताम भी नहीं करने रहते हैं, तो मैं ताम तलता हूँ तो देते हैं, उसको ताम तलता हूँ तो देते हैं, तो वीडियो बना बनाता हूँ तो देते हैं, तो ताम तलता, तो मैं क्या करूँगा दोस्तों आप भी बताइए। और नितिन की शिकायत के बाद देखिए अभी सुबह हो चुकी है, ये आज का है, और ये देखिए अभी प्रिया सब्जी काट रही और मैं इधर लहसुन जो छील रहा हूँ, लहसुन और प्याज। तो देखिए क्योंकि आज हमने बनाई है भिंडी की सब्जी, और प्रिया आ जाती है रोज़ सुबह हेल्प कराने के लिए मेरी, क्योंकि मुझे भी स्कूल है वो टाइम से जाना होता है। और यहाँ पर देखे कर रहे हैं, उधर नवीन भी झाड़ू लगा रहा है, सुबह सुबह इसका जो काम है ये भी टाइम से करता बच्चा। आज नितिन जो नवीन उसका टर्न नहीं था स्कूल जाने का, इस कारण सुबह सुबह वो मेरी हेल्प कर रहा है काम में, और
प्रिया रोज आ जाती है हेल्प करने के लिए अपने मामा के काम में, तो सब्जी रोटी ये बनाएगी, जब तक मैं मेरे जो और काम है पशुओं के हैं तो वो कर लूँगा। ये देखिए इधर छील लिया हमने, और नवीन झाड़ू लगा रहा है इधर, सुबह के दिन में ये लगाता है। उधर देखिए नल आए हुए हैं तो पानी भर रहे हैं सब लोग उधर, मैंने भर लिया था पहले ही पानी, क्योंकि मुझे स्कूल के लेट हो जाता है इस कारण, और मैंने सबसे पहले भर लिया था। और ये देखिए नवीन के नितिन के काम है, ये देखिए, और ये देखिए अब देखिए क्या कर रहा है, ये देखिए नवीन। और प्रिया लिया ये आटा और इसके लिए दे रहा है ये कि बैठ जाओ इस पाटे पे आप। और इधर देखिए दोस्तों, बहुत सारे दोस्तों की रिक्वेस्ट आई थी कि आप जो जिस गोट की डिलीवरी हुई उसकी जो मिल्किंग का वीडियो भेजिएगा। तो देखिए अभी कितनी शैतान है ये बकरी, तो उसकी जो मिल्किंग है वो कर रहे हैं। देखिए एक तरफ पीछे से पैर पकड़ने पड़ते हैं और आगे से देखिए सींग पकड़ रखे सिद्धार्थ ने, और ये भाई कर रहा है मिल्किंग, ये देखिए। तो इन्जॉय कीजिए दोस्तों।